वेलकम टू लेक्चर नंबर 9 ऑफ थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में पढ़ेंगे। अब से पहले जो लेक्चर हो चुके हैं उनमें हमने डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज को देख लिया, रिकर्सिव लैंग्वेज, रेगुलर एक्सप्रेशन का तरीका देख चुके हैं कि किस तरह से रेगुलर एक्सप्रेशन बनती हैं और लैंग्वेज को किस तरह से इन फॉर्म ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन जो है हम लिख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि फाइनाइट ऑटोमेटा क्या चीज़ है। इन फाइनाइट ऑटोमेटा वी कैन रिप्रेजेंट लैंग्वेज इन फॉर्म ऑफ डायग्राम और ग्राफिकली। अब से पहले जो हमने लेक्चर्स देखे हैं उसके अंदर हम जब किसी भी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करते थे, जिस तरह डिस्क्रिप्टिव थी, रिकर्सिव थी, या हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन थी, हम कुछ मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते थे। लेकिन ये वाला जो हमारे पास मेथड है फाइनाइट ऑटोमेटा, इसके अंदर हम उसको डायग्राम और ग्राफिकली शो करेंगे अपने ऑटोमेटा को। तो इस फाइनाइट ऑटोमेटा को फाइनाइट मशीन भी कहा जाता है, फाइनाइट ऑटोमेटिक मशीन भी कहा जाता है, और फाइनाइट स्टेट मशीन के नाम से भी इसको जाना जाता है। पांच बेसिक चीज़ें फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में, जब भी हम फाइनाइट ऑटोमेटा की बात करेंगे तो ये इसके पांच मेन टपल्स हैं, फाइव टपल्स जो कि आपके सामने लिखे हुए हैं। इन टपल्स को हम डिफाइन करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ऑटोमेटा को जब हम डायग्रामेटिकली या ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो इनको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है वहाँ पे। यहाँ सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है क्यू, फिर सिग्मा, ये कैपिटल सिग्मा है, उसके बाद स्मॉल सिग्मा, फिर क्यू नॉट और फिर क्यू, फिर उसके बाद एफ। इनका क्या मतलब है ये हम देखते हैं। क्यू क्या चीज़ है? क्यू इज़ फाइनाइट सेट कॉल्ड स्टेट, क्यू 0, 1, 2, 3, 4। यहाँ पे जो क्यू है इससे मुराद स्टेट्स है। स्टेट से मुराद कि जब हम डायग्रामेटिकली बनाएंगे, इस तरह हम सर्कल्स की फॉर्म में कुछ स्टेट्स ड्रा करेंगे। फॉर एग्जांपल ये स्टेट वन होगी, स्टेट टू होगी, और हम शो करेंगे एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे कुछ इनपुट जा रही है, दूसरी स्टेट से आगे नेक्स्ट स्टेट पे जा रही है। उसके बाद हमारे पास जो सिग्मा है इज़ फाइनाइट सेट कॉल्ड अल्फ़ाबेट। सिग्मा अल्फ़ाबेट हम पहले पढ़ चुके हैं कि अल्फ़ाबेट क्या चीज़ होता है, तो सिग्मा से अल्फ़ाबेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट अब तक जितनी भी हमने लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने के वेज देखे थे उन सब में ये वाला कॉन्सेप्ट हम देखते आए हैं अल्फ़ाबेट का। और स्मॉल सिग्मा, स्मॉल सिग्मा क्या चीज़ है? स्मॉल सिग्मा इज़ ट्रांजिशन और मूवमेंट। ट्रांजिशन और मूवमेंट से क्या मुराद? ये हमें हमारे डेटे की ट्रांजिशन बता रहा होता है कि डेटा, जिस तरह हम एरो के साथ शो कर रहे होते हैं कि डेटा एक स्टेट से निकली इनपुट, वो दूसरी स्टेट में गई, दूसरी स्टेट से फिर तीसरी स्टेट में गई, इन फॉर्म ऑफ एरो रिप्रेजेंटेशन हो रही होती है हमारी ट्रांजिशन की। और क्यू नॉट, क्यू नॉट इज़ ए स्टार्ट स्टेट, इनिशियल स्टेट, जहाँ से हमारी इनपुट स्टार्ट होगी वो क्यू नॉट कहलाएगी, इनिशियल स्टेट। और एफ इज़ द फाइनल स्टेट, जहाँ पे लास्ट, वो लास्ट स्टेट जहाँ पे जाके हमारी इनपुट ख़त्म होगी। तो आइए अब इन ये जो हमने इसके टपल्स देखे थे इन टपल्स को मज़ीद डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से है ये। सबसे पहले हमारे पास है क्यू नॉट, यानी इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर क्या होती है कि एवरी फाइनाइट ऑटोमेटा ऑलवेज स्टार्ट विथ क्यू नॉट। जो भी ऑटोमेटा होगा वो इसी स्टेट से स्टार्ट होगा जो कि स्टेट क्यू नॉट है हमारे पास। इन फाइनाइट ऑटोमेटा देयर विल बी ओनली वन इनिशियल स्टेट। जब भी हम फाइनाइट ऑटोमेटा को ड्रा करेंगे तो जो इनिशियल स्टेट है वो सिर्फ एक ही होगी, इनिशियल स्टेट एक ही होगी। उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? दो वेज हैं, एक इस तरह से और दूसरा हम एक वे है कि हम सर्कल के अंदर क्यू नॉट लिख देंगे और उससे पहले एक एरो लगा होगा जो कि हमें इनपुट के बारे में बता रहा होगा कि ये इसकी इनिशियल स्टेट है, या हम सर्कल के अंदर माइनस का जो साइन है ये भी इनिशियल स्टेट को शो करता है। तो हम इस कोर्स के अंदर ज़्यादातर इस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे अपनी इनिशियल स्टेट को, मीन सर्कल के साथ एक सर्कल से पहले एक एरो लगाएंगे जिससे हमें पता लगेगा कि ये इनिशियल स्टेट है। कुछ बुक्स में आपको इस तरह से भी नज़र आएगा कि सर्कल के अंदर माइनस का साइन होगा। उसके बाद फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट कौन सी होगी? इन फाइनाइट ऑटोमेटा मिनिमम नंबर ऑफ फाइनल स्टेट शुड बी वन एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइनल स्टेट कैन बी मोर देन वन। हर फाइनाइट ऑटोमेटा में कम से कम एक फाइनल स्टेट होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा एक से ज़्यादा स्टेट्स भी हो सकती हैं। एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट किस तरह से कि फॉर एग्जांपल ये एक ऑटोमेटा था, ये हमारी स्टेट वन स्टेट थी, यहाँ से इनपुट शुरू हुई इस सर्कल में, दूसरी स्टेट में गई, दूसरी से तीसरी में आई, तीसरी स्टेट फॉर एग्जांपल हमारी फाइनल स्टेट है।
अब फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डबल सर्कल से, सर्कल सर्कल के अंदर एक और सर्कल ड्रा कर देते हैं कि ये हमारी फाइनल स्टेट है। तो फाइनल स्टेट वन भी हो सकती है और वन से ज़्यादा भी, यानी टू भी हो सकती हैं फाइनल स्टेट्स फाइनाइट एटोमेटा में। इट मीन्स वी मे हैव मोर देन वन फाइनल स्टेट इन फाइनाइट एटोमेटा। यस बिल्कुल, वी हैव मोर देन वन स्टेट, और ये लाजमी नहीं होगा कि हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा में हमेशा एक से ज़्यादा ही फाइनल स्टेट्स हों। ये भी एक कंडीशन है कि हो सकती है, लेकिन यूजुअली ज़्यादातर एग्जांपल्स और जो हम देखेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे उनमें ज़्यादातर में एक ही फाइनल स्टेट होगी हमारे पास। अब फाइनल स्टेट मशीन, फाइनल स्टेट पे जो हमारी मशीन है वो स्टॉप भी हो सकती है और मे नॉट स्टॉप, डिपेंड ऑन आवर लैंग्वेज इनपुट। ये इस चीज़ से क्या मुराद है, जिस तरह देखेंगे हमारी एक फ़ाइनल स्टेट थी, हो सकता है यहाँ पे हमारी जो इनपुट थी वो वन आ रही हो, यहाँ पे ज़ीरो आ रही हो, और यहाँ पे आके वो ख़त्म हो जाए। लेकिन ये जो यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है कि मे नॉट स्टॉप, कि शायद स्टॉप ना हो, वो किस तरह से हो सकता है, इस स्टेट के ऊपर कोई हमारे पास लूप हो। लूप का मतलब कि एक इनपुट आ रही है और वो बार बार वही इनपुट चली जाती है। मतलब लूप अगर वन है, इसका मतलब एक दफ़ा वन रीड होगा, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, और वही इनपुट चलती रहेगी। तो इस तरह की कंडीशन भी आ सकती है, वो भी हम एग्जांपल्स में देखेंगे। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो सर्कल के अंदर प्लस के साइन से, या उसको डबल सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम अपने सब्जेक्ट में डबल सर्कल के साथ फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे, और कुछ बुक्स में आपको इस सर्कल के अंदर प्लस के साइन से भी इसकी रिप्रेजेंटेशन नज़र आएगी। उसके बाद क्यू, क्यू स्टेट्स, स्टेट को क्यू के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। देर आर सच स्टेट फ्रॉम विद आवर ऑटोमेटा नाइदर स्टार्ट नॉर फिनिश। एक तो हमारी स्टार्ट स्टेट है और एक हमारे पास जो है वो फाइनल स्टेट है। ये जो क्यू है आगे लिखा हुआ है नॉर्मल स्टेट। नॉर्मल स्टेट का मतलब जहाँ से ऑटोमेटा ना स्टार्ट होता है ना फिनिश। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी एक स्टार्टिंग स्टेट थी, यहाँ से हमने इनपुट दी, उसके बाद एक और स्टेट पर हमारी इनपुट गई, उसके बाद दूसरी स्टेट पर हमारी इनपुट गई, उसके बाद हमारी इनपुट एक फाइनल स्टेट पे चली गई, डबल सर्कल फाइनल स्टेट। तो ये तो हमारी इनिशियल स्टेट है और ये वाली हमारी फाइनल स्टेट है। उसके दरमियान जितनी भी स्टेट्स होंगी उनको नॉर्मल स्टेट्स कहा जाएगा। उसके बाद ट्रांजिशन आ जाती है। ट्रांजिशन और मूवमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो के साइन से। जिस तरह आपको एरो का साइन नज़र आ रहा है, ये हमारी ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करेगा कि डाटा कौन सी स्टेट से कौन सी स्टेट की तरफ जा रहा है, यानी इनपुट हमारी कौन सी स्टेट से इनपुट जो है वो आउट हुई और कौन सी स्टेट की तरफ वो जा रही है इनपुट। टाइप्स ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा, फाइनाइट ऑटोमेटा की बेसिकली जो मेन टाइप्स हैं वो दो टाइप्स हैं। वो कौन सी टाइप्स हैं, एक है NFA नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा NFA, और सेकेंड वन है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा जिसको हम DFA भी बोलते हैं। तो हम अपने इन दोनों टाइप्स जो हमारी फाइनाइट ऑटोमेटा की टाइप्स हैं इनको विद एग्जांपल्स देखेंगे। हम अपने आने वाले लेक्चर में इसको सीखेंगे कि किस तरह से NFA को ड्रा किया जाता है और किस तरह DFA को ड्रा किया जाता है, यानी इनकी डायग्राम या इनको ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में NFA से स्टार्ट करेंगे, NFA विद एग्जांपल्स कि क्या होता है और इसको किस तरह से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।